ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण की 6 स्थितियों पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह उस वीडियो से पूरा रिलेटेड है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपका ये टॉपिक देखना बहुत बेकार रहेगा, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख ले तब इस वीडियो को चालू करें, ठीक है। आज और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? हमने पीछे वाली स्थिति में पढ़ा था कि अवतल दर्पण की 6 स्थितियां पर 6 तरीके के प्रतिबिंब बन रहे थे। उन स्थितियों के आधार पर अवतल दर्पण के कई सारे उपयोग है, उन सारे उपयोग के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला उपयोग है, हाँ एक और बात आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि आप लोग को इस वाले में बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, तो आप पहले बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका होमवर्क जो मिले आप उसको अच्छी तरह कर सके। तो पहला क्वेश्चन है इसका उपयोग, अवतल दर्पण का पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब यह क्वेश्चन आ गया, यह होमवर्क सुनिए क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, मतलब हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर आपको लिखना, मैं यहां बताऊंगा। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण की छठी स्थिति पढ़ी थी, उस स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु पी और एफ के बीच में होती है, पढ़ा था हमने जब पी और एफ के बीच में होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, बिल्कुल सीधा से भेजिएगा, दर्पण के पीछे टेढ़ा हो गया, दर्पण के पीछे वास्तव काल्पनिक और सीधा बनता है। देख रहे हैं, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। अब बताइए, हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें चाहिए कि जहां बना रहे हैं वो चीज हमें बड़ा दिखाई दे। बड़ा दिखाई देगा तो साफ दिखाई देगा, तो बड़ा दिख रहा है यहां पर, वस्तु से बड़ा दिख रहा है, और हमें वो चीज सीधा दिखाई दे। सीधा का मतलब क्या होता है? सीधा का मतलब पैर, सॉरी सिर ऊपर, तो सिर ऊपर दिखाई देगा, यानी कि सिर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, वो उल्टा हो जाएगा। तो सीधा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ दाढ़ी बना रहे हैं तो ये वाला फेस हमारा उस दर्पण पे सेम टू सेम दिखाई दे। तो अवतल दर्पण की छठी स्थिति में ऐसा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। मैं शॉर्ट में इसका आंसर बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जब चेहरे को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तब अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनाता है, जिससे हजामत बनाने में आसानी हो जाती है। इसलिए हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आप फिगर बना लेना, बस ये फिगर बनाओगे और उतना हिंदी लिख दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला आप लोगों ने देख लिया, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा बिड़ा रेस को, दूसरा हमारा है वाहनों के हेडलाइट में। हेडलाइट, आपने वाहन देखा है, कोई भी गाड़ी देखा हो, मोटरसाइकिल देखा हो, तो उसके आगे जो हेडलाइट होता है, जो बल्ब जलता है, उसको आप ध्यान से देखना। जहां पे बल्ब लगा होता है उस वो वाला सतह जो होता है बिल्कुल पॉलिश किया रहता है, पूरा वो सिल्वर कलर का पॉलिश किया रहता है उस सतह पर। क्यों किया रहता है आप जानिए, क्यों ऐसा होता है, इसका उपयोग वहां होता है अवतल दर्पण का। क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोगों ने पीछे वाले
स्थिति में पढ़ा था कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है, पढ़ा था आपने, मैं यहां बना के भी दिखा रहा हूं आपको, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, यहां पे होती है, तब वह उसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है, देख रहे हैं, यहां से लिया इधर पार हुआ, यहां से लिया इधर पार हुआ, तब वो उसका कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समांतर बनाता है, मतलब अनंत पे प्रतिबिंब बनाता है, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, समांतर कर देता है। मैंने शायद ऐसे फिगर नहीं बनाया था, मैंने बनाया वैसे वैसे ही बना दे रहा हूं मैं, पी एफ सी, एफ पर ऐसे रखे होंगे आप लोगों ने, जब मुख्य फोकस पे वस्तु होता है तब उसका प्रतिबिंब ऐसे बिल्कुल समांतर बनता है ना, समांतर बन रहा है कि नहीं, इसी प्रकार से ये भी है, ये दोनों एक ही चीज है। मैंने यहाँ पर बिंदु टाइप में लिया, यहाँ पर ही बड़ा टाइप में लिया। तो आपने देखा कि वाहनों में जो हेडलाइट होता है, जो पीछे का परत होता है, वहां पर पूरा पॉलिश किया गया रहता है। आप अभी जाके मोटरसाइकिल का किसी का देखिएगा तो उसमें चमक रहा होगा जो पार्ट, वो होता है हेडलाइट। उसमें जब उसके बीच में बल्ब को रखा जाता है, उस हेडलाइट के बीच में बल्ब को रखा जाता है, बल्ब को कहाँ रखा जाता है पता है, उस हेडलाइट के मुख्य फोकस पे रखा जाता है। जब बल्ब को हेडलाइट के मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो मुख्य फोकस से पड़ने वाला प्रकाश जब हेडलाइट के यहाँ पड़ता है तो यह उसको क्या कर देता है, समांतर कर देता है, क्या कर देता है, उसको समांतर कर देता है, मतलब प्रकाश को चारों क्या कर देता है, वो फैला देता है। इसलिए वाहनों के हेडलाइट में उसका किसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आया वाहनों के हेडलाइट, क्वेश्चन नंबर दूसरा है होमवर्क का, वाहनों के हेडलाइट में वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तब वह उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनाता है, अर्थात जब बल्ब को उस हेडलाइट के मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो वह उसके प्रकाश को क्या कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। तो आप लोग ये वाला फिगर बना लेना और वो हिंदी लिख लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कि वाहनों के हेडलाइट में कैसे किया जाता है। ठीक है, दो आप लोगों का कंप्लीट है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है डॉक्टर द्वारा आंख नाक, चाहे आंख छोड़ दीजिए, मुंह नाक और गले की जांच करने में, मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं जब वो आंख सॉरी मुंह नाक और गले की जब जांच करते हैं, जैसे मुंह के अंदर कुछ हो गया है अगर उसको देखना है तो उसको देखने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब ये क्यों कैसे करते हैं, तो आपको इसके लिए फिगर नंबर पहला याद रखना होगा, पहला इसमें आपको छठा याद रखना था, इसमें आपको कौन सा पांचवा याद रखना था, इसमें आपको पहला याद रखना होगा। पहला क्या फिगर था, तो जब आपने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो वह अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, मुख्य फोकस में बनाता है, तो वही करते हैं। अब जैसे कि किसी भी रोगी का अगर मुंह के अंदर जांच करना है, तो अगर मुंह के अंदर अगर हमको देखना है तो अगर मुंह तो अंधेरा रहता है उसके अंदर, तो हम टॉर्च लेके जाएंगे उसके मुंह की तरफ, टॉर्च जलाएंगे, तो जब मुंह की तरफ हम टॉर्च जलाएंगे तो मुंह की तरफ यहाँ टॉर्च जलाए तो आंख से उसके मुंह में हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब टॉर्च दिखाएंगे तो आंख नहीं से नहीं देख पाएंगे, जब आंख लगाएंगे तो टॉर्च नहीं जाएगा। मतलब उसके गले की जांच करने के लिए, मतलब यहाँ अंदर जांच करने के लिए मुंह से, तो हमें ऐसा चीज चाहिए जिसमें टॉर्च हमारे यहाँ, जिससे हम अगर आंख भी अंदर घुसाए तो आंख ये है और टॉर्च यहाँ हो, जिससे बिल्कुल दोनों आसपास है, जिससे टॉर्च भी अंदर चल जाए और आंख से मतलब हम अंदर देख सके, तब
जो डॉक्टर होते हैं वे जब इसका जांच करते हैं तो इसकी जांच करने के लिए वे यहां पर गोल एक दर्पण को बांध लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक दर्पण को यहां बांध लेते हैं और दूर से पर वहां बल्ब का रोशनी रहता है और उस दर्पण पे जब रोशनी पड़ता है तो उस दर्पण पर परावर्तित होकर के देखिए ऐसे ये दर्पण है। जब सूर्य का प्रकाश जब एफ हो गया, ये ई हो गया और सी, जब समांतर किरणें इस दर्पण पे पड़ती है तो वह क्या होता है? एफ से गुजर जाती है। देखें ये वाला पहला फिगर था, पहला फिगर है ये। इसमें क्या देखा आपने कि जब बल्ब से प्रकाश आएगा यहां पर जो दर्पण है दर्पण पे सटेगा तो दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण को हम लोग जहां इधर उधर करेंगे, जैसे अगर शीशा हो, शीशा अगर यहाँ लगा दे वहां लाइट का प्रकाश आ रहा है वहां, अगर यहाँ चमकाना चाहे तो चमकता है ना यहाँ, वैसे ही जब वो करेंगे तो उन पर प्रकाश उस पर जो पड़ेगा वह प्रकाश फिर वहां से टकरा करके उस रोगी के कहां चला जाएगा? मुंह में चला जाएगा, जिसके कारण प्रकाश भी चला गया मुंह में और आंख से हम लोग उस प्रकाश को भी देख लेंगे कि मुंह में क्या है, गला में कुछ हुआ है या नहीं हुई है। अर्थात हम प्रकाश को उस रोगी के गले में भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका अगर आंसर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे करके कि डॉक्टर द्वारा मुंह नाक गले आदि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है सूर्य से समांतर किरणों को वह मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिससे डॉक्टर को किसी चीज को देखने में मतलब मुंह के अंदर की चीज को देखने में आसानी हो जाती है, इसलिए किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग गले नाक की जांच करने में किया जाता है। तो ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे और ये वाला फिगर बना लेंगे, ये थर्ड नंबर हमारा फिगर है, मतलब पहला नंबर फिगर होगा तो ये फिगर बना लेंगे। इससे पहले ऐसे ही फिगर था पर तो उसमें याद रखिएगा उसमें तीर का निशान ऐसे नहीं था, इसका उल्टा था, यहां से जा रही थी, अब इसमें ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो आपका तीन कंप्लीट हुआ, अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अब सोलर कुकर क्या होता है तो सोलर कुकर के बारे में मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए सोलर कुकर की तरह डब्बा होता है इस टाइप का, ये डब्बा है, ठीक है, वैसे डब्बा होता है। सोलर कुकर का जो अंदर का जो भाग होता है वो काले रंग से रंगा होता है, क्या चीज से रंगा होता है? काले रंग से रंगा होता है और उसके यहां पर एक दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? दर्पण लगा होता है। आप बोलिए दर्पण का क्या काम है? तो ये दर्पण क्या करता है? जब सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, भोजन पे पड़ रहा है तो भोजन के ऊपर यहाँ पर एक व्हाइट रंग का कांच लगा होता है जिसे गर्दा वर्दा ना पड़े। तो जब सूर्य का प्रकाश इस भोजन पे पड़ता है, जब कुकर पे पड़ता है तो सूर्य के गर्मी के कारण अंदर में रखा हुआ जो भी चावल होता है, ये पानी डाल के अंदर रखते हैं, वो चावल पकना शुरू हो जाता है। परंतु अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो केवल इतना ही दूर पड़ रहा है, इतना ही दूर पड़ रहा है कि नहीं? परंतु जब हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण लगा देते हैं तो अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणों को वो एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। मतलब कि यहां से जितना भी प्रकाश की किरण आ रही थी वे सारी प्रकाश की किरण को निकाल करके एक बिंदु पर सारे प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर डाल देता है। और जब एक बिंदु पर इतनी सारी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह बिंदु पर जो होगा तापमान ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण अंदर रखा हुआ भोजन जो होता है वो क्या हो जाता है? पक जाता है। अंदर रखा हुआ भोजन क्या हो जाता है? पक जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? सौर कुकर में किया जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए,
क्योंकि उत्तर इसका ध्यान से सौर कुकर में क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य के से आते हुए प्रकाश की किरणों को एक मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है, मतलब मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिसके कारण सौर कुकर में रखा हुआ भोजन पक जाता है, तापमान के कारण क्या हो गया पक जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। क्लियर है, तो आप ये बना सकते हैं और इसका हिंदी लिख सकते हैं। तो ये चार आपका है अवतल दर्पण का उपयोग, तो आप चार उपयोग पहले लिख लीजिएगा, उपयोग लिखने के बाद से आप इन सभी के एक एक क्वेश्चन बना के चार क्वेश्चन बनेंगे, चार क्वेश्चन को फिगर के साथ आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण के उपयोग, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि अवतल दर्पण की छह स्थितियां होती है, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण की स्थिति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण इस टाइप से होता है, पढ़ा होगा आपने, सबने जाना होगा। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा C, F, और कितना दूरी पे ये F होता है उतने दूरी पर C, ठीक है, बना दिया हम लोगों ने। अब आपने पढ़ा था इससे पहले कि वस्तु हमेशा कहाँ होती है, तो वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है, नियम पढ़ाए थे दो वीडियो पहले, आपको याद होगा, वीडियो याद रखना वो वाला, क्योंकि उस नियम से ही सारा फिगर बनेगा। तो हमेशा बाएं तरफ होती है, तो बाएं तरफ हम देखते हैं कि बाएं तरफ हमारे पास दो स्थिति होगी, एक अनंत की स्थिति होगी और एक अनंत और पी के बीच में होगी। तो अनंत पे जब भी होगा तो मुख्य फोकस पे बनेगा, तो सबको पता है। परंतु अब एक और स्थिति होती है ये इन दोनों के बीच की, और कोई स्थिति नहीं होती है। तो ये स्थिति में देखते हैं, इस स्थिति में जब देखते हैं, जब वस्तु आ रही है ऐसे प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधा दिखना आपको, तो आपको पता है यहां से वो टकरा के कहां जाएंगे, तो इस पार तो आ नहीं सकती, ठीक है, इस पार तो आ नहीं सकती, पर तो हमको पता है कि टकरा करके किससे गुजरती है, F से गुजरती है। परंतु उत्तल दर्पण में क्या होता है, F से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब F से गुजरती प्रतीत मतलब यहां से डाइजेस्ट करके गुजर रही है, तो जहां से डाइजेस्ट करके गुजरेगी उतने पे हम सीधा स्केल लगा करके उतने पे पीछे की तरफ डंडा खींच देंगे, देख रहे हैं बिल्कुल सीधा इस तरफ पीछे का, ठीक है, चला गया यहां से सीधा गया और एफ से गुजरती है। दूसरा कहां से गुजरता है, तो दूसरा आपको मैंने बताया था सी से गुजरता है, तो चलिए सी कहां है भाई, ये है सी, तो सी ये यहां तक तो सीधा है, अब यहां के बाद से क्या हो जाएगा, डैश डैश करके एक दो तीन चार डैश 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 करके गुजरा है, तो जहां तक आया फिर यहां तक आया ऐसे, और फिर यहां से लौट गया, लौट गया तो दोनों इसी में रह जाएगा, क्योंकि इस साइड तो आता नहीं है, इस साइड हम लोग केवल किससे देते हैं डाइजेस्ट करके देते हैं, तो किस बिंदु पे मिला, यहां मिला। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए ध्यान से बिल्कुल, इसका प्रतिबिंब इस वस्तु से छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा मतलब काल्पनिक, क्लियर है, तो यही पर लिखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे उसमें लिखते थे, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु, इसकी केवल एक स्थिति होती है, याद रखिएगा, रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण की स्थिति पता चली, अब आकार बताइए कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा और नहीं, अभी तो दो चीज बचे रहना है, प्रकृति क्या होता है, भाई दर्पण के पीछे है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनता है, क्लियर है, तो आप फिगर बना लेना, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिगर, ए बी ए डैश बी डैश, यहां पर एल लिख लेना, यहां एम है, एम डैश, यह टकरा गया, ठीक है,
तो आप लोगों ने देखा कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, दोनों बनाता है कि नहीं? उत्तल दर्पण में तो केवल काल्पनिक ही बनता है, हमेशा एक ही स्थिति रहेगी, परंतु अवतल दर्पण की छठी स्थिति फिगर निकाल के देखिए, छठी स्थिति में आप लोगों ने देखा है कि उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें भी आपका क्या बन रहा था? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। छठी स्थिति कहां थी? यहाँ थी, इसने यहाँ टकरा करके एफ से गुजर रहा था दूसरा सी से, और ये दोनों पीछे जाके मिल रहे थे, वहां पे भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, परंतु वो जो प्रतिबिंब था और ये जो प्रतिबिंब है दोनों में क्या अंतर है? यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रतिबिंब जो बन रहा था काल्पनिक और वस्तु से छोटा बन रहा है, और यहाँ काल्पनिक और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। आप हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है, मतलब काल्पनिक और छोटा बनता है, और अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और बड़ा बनता है। अगर आपसे कोई भी मतलब उसमें एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनता है? काल्पनिक, छोटा और दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण में काल्पनिक, बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, मतलब काल्पनिक और बड़ा बनता है, यहाँ काल्पनिक और छोटा बनता है, ये यार दोनों में मेन अंतर है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह देख लिया होगा, तो ये फिगर बना लीजिएगा, और फिगर बनाने के बाद फिर आप लोग इसको क्या कहते हैं लिख लीजिएगा, आप लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे आप लोगों ने अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ा वैसे ही उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, चलिए भाई इसके क्या क्या यूजेज है? तो उत्तल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। पहला उपयोग क्या होता है? साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर जिसको हिंदी में पश्च दृश्य कहा जाता है, पश्च दृश्य दर्पण। के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर जिसको इंग्लिश में साइड मिरर कहते हैं, हिंदी में पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं, में किया जाता है। अब ये क्या होता है? तो आप लोगों ने कोई गाड़ी देखा होगा, उस गाड़ी में आप लोग को दोनों तरफ शीशा लगा हुआ देखा होगा जो पीछे का चीज को दिखाता है, जैसे मोटरसाइकिल अभी आप देखिए आपके घर में हो तो उसमें आप देखेंगे दो शीशा ग्लास लगा हुआ है जिसमें पीछे की चीजों को देखा जाता है, जिससे जो ड्राइवर होता है वो पीछे की चीजों को देखता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, उसी को साइड मिरर कहा जाता है। अब साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग को लिख के रखना ही है, आपका होमवर्क रहेगा, चार क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क है। तो साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तर आप ये लिखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, छोटा और काल्पनिक बनता है। देख रहे हैं, सीधा, छोटा और काल्पनिक बनता है। कारण लिख दिए, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, छोटा और काल्पनिक बनता है, तथा इसमें एक और बात याद रखना है, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। ये भी लाइन लिख देना उसमें, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। अब बोलिएगा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र का मतलब देखने का क्षेत्र। यहाँ आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसका दृष्टि क्षेत्र ये कहाँ की चीजों को देख सकता है? ये यहाँ की चीजों को देख सकता है, ये यहाँ तक की चीजों को देख सकता है, यहाँ तक की पूरी चीजें इसमें आएगी। ये टेढ़ा है, जिसके कारण ये पूरा यहाँ तक की चीजों को देख सकता है, है मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हुआ? बड़ा हुआ। वही अगर अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण तो ये कितने तक की चीजों को देख रहा है? यहाँ से यहाँ तक की चीजों को ही देख सकता है, इससे बाहर की चीजों को नहीं देख सकता, परंतु इसका दृष्टि क्षेत्र क्या है? बड़ा है। इसी कारण
इसका उपयोग किसमें किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। फिर से एक बार मैं आंसर बोल दे रहा हूं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक और वस्तु से छोटा होता है, इसलिए न तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद से और इसका उपयोग देखते हैं। इसका एक और उपयोग होता है सड़कों पर लगे लैंप में। जो सड़क पे जो लैंप लगा होता है, चाहे गली में जो लैंप लगा होता है, शहरों में लगा होता है, वह लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? फिर वही बात, क्योंकि वह जो होता है वह जो भी फोकस वो केंद्र वो जो मतलब जो उसके मुख्य फोकस पे जब वस्तु को रखा जाता है तो वह एक बिंदु पे केंद्रित करने के बजाय वो चारों तरफ क्या कर देता है? उसको फैला देता है। मतलब इसलिए इसका उपयोग इसमें किया जाता है, सड़कों पे लगे लैंप में किया जाता है। तो ये आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप याद रखना इसका उपयोग कहां किया जाता है, सड़कों पे लगे लैंप में किया जाता है। दो ही इसका उपयोग है, दो आपको पढ़ना है, दोनों याद रख लेना, ठीक है। अगला एक और बच रहा है दर्पण का उपयोग। तो कौन सा दर्पण बच रहा है? तो समतल दर्पण का उपयोग बच रहा है। तो समतल दर्पण का एक और उपयोग देख लेते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर का उपयोग। तो हम लोगों ने देखा समतल दर्पण का क्या उपयोग है। तो समतल दर्पण का तो पहला उपयोग है हम लोग अपना प्रतिबिंब देखने में करते हैं। तो अपना प्रतिबिंब देखने में, ठीक है। पहला तो इसमें क्या जाता है कि हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, डेली सुबह उठ के देखते होंगे, चाहे नहा धोकर के देखते होंगे, तो अपना प्रतिबिंब देखने में करते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट उपयोग क्या है? अनंत दर्पण द्वारा या अनंत समतल, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। या मैं अनंत दर्पण लिख रहा हूं, इसकी जगह अनंत समतल भी लिख सकते हैं। अनंत दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, मतलब कि इसका समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में भी किया जाता है। जैसे आपने देखा शीश महल में क्या होता है, चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, चार तरफ शीशे लगे होते हैं। जब आप एक बार कहीं से एंट्री करेंगे तो चारों तरफ शीशे से लगेगा कि आप उधर से आ रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर एक से अधिक दर्पण होते हैं, जिसके कारण उससे प्रतिबिंब जो बनता है वह एक से अधिक बनता है। तो वही है इसका उपयोग, दो अपना प्रतिबिंब देखने में और अनंत दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। तो यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक है आज एक समाप्त होता है। सभी दर्पणों के हम लोगों ने उपयोग देख लिए, ठीक है। और अब आपको इसका पहले अच्छी तरह से फेयर कीजिएगा, और मेरे दिए हुए होमवर्क जो आप लोगों को मैंने 6-5 क्वेश्चन दिए हैं, 4 उधर दिए और एक ये दिया साइड मिरर, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन को आप क्वेश्चन सहित लिख करके आंसर आप भेजेंगे, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे अभी भेज दीजिएगा, और अच्छी तरह से इसका फेयर कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, साइड मिरर वाले में एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और बनाने के बाद अच्छी तरह से फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।